श्री गणेश प्रेडिक्शन है आज का गुरु का, रोहिणी नक्षत्र में जाने का ट्रांजिट। आज तारीख 12 जून 2024 है, सुबह 5:32 को गुरु वृषभ राशि में रहेंगे, तो वृषभ में ही रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। कृतिका नक्षत्र में से निकल कर तो ये ट्रांजिट वृषभ राशि से लेकर मीन राशि तक, क्योंकि मेष का प्रेडिक्शन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो ये आप मेष राशि का एक देख सकते हैं, अलग से प्रेडिक्शन है मेष के लिए। विचार तो ऐसा ही था सबका राशि का अलग अलग करना है, लेकिन क्या है उस ऐसा करने से थोड़ा लोड ज़्यादा पड़ता है कि बार बार शूटिंग करना, बार बार अपलोड करना है ना, तो एक तो हो गया सुबह में मेष राशि का, लेकिन अभी वृषभ से लेकर मीन तक का गुरु का रोहिणी नक्षत्र वृषभ से लेकर मीन राशि तक, राशि से और नक्षत्र से क्या परिणाम देने वाले हैं सबको, इसके बारे में जानेंगे आज के इस प्रेडिक्शन में। तो रोहिणी नक्षत्र की जो ये चंद्र का नक्षत्र है, इसकी योनि सर्प योनि है, गण मनुष्य है, पैसे के पीछे लोगों की दौड़ रहेगी, लोगों का यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग भी बढ़ेगा। चंद्र का नक्षत्र है और नदी समंदर तालाब किनारे घूमने जाने का लोग पसंद करेंगे। द प्लेस नियरर टू वाटर, ये सबको ज़्यादा पसंद आएगा। वृषभ राशि के लिए जो बात करें, अच्छा मनुष्य गण की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लोगों की दौड़ जो है वो पैसे के पीछे ज़्यादा रहेगी, आर्थिक उपार्जन बढ़ेगा बढ़ेगा। तो वृषभ राशि के लिए गुरु आपकी राशि के अंदर है, कृतिका के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। वृषभ कृतिका में जिनका जन्म का सूर्य है, चंद्र है या लग्न है, आपके लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियर है। आपके लिए ये राजयोग कारक जैसा ही बोल सकते हैं। शारीरिक मानसिक आर्थिक प्रसन्नता, आपके संतानों के भी कार्य बनेंगे, पढ़ाई में प्रोग्रेस होगा। रोहिणी के लिए भी एक्सीलेंट फल होगा, क्योंकि गुरु आपके नक्षत्र में से जाने वाले हैं। और मृगशिरा के लिए भी इसका फल एक्सीलेंट है, क्योंकि वृषभ मृगशिरा के लिए भी गुरु अति मित्र नक्षत्र में है, जो आपके क्लोज फ्रेंड बनकर आए हैं, जो आपका एकदम अच्छा दोस्त है और बहुत कैपेबल फ्रेंड है, बहुत बड़ा मित्र है, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प तो करेगा ही करेगा। तो मिथुन राशि के लिए फल क्या होगा, गुरु 12वें स्थान में है, जो आपके धार्मिक कार्य में शुभ कार्य में खर्च करवाएंगे। मिथुन वृक्षिरा के लिए गुरु अति मित्र नक्षत्र है, मिथुन आद्रा के लिए मित्र है, लेकिन मिथुन पुनर्वसु के लिए ये वध नक्षत्र है। तो हु आर बॉर्न इन मिथुन पुनर्वसु, जिनका जन्म का सूर्य है या चंद्र है, ऐसे जातकों को थोड़ा सा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकता है, और पढ़ाई करने वाले जातकों को पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना होगा। गुरु वध नक्षत्र में होने के कारण आपका रिजल्ट थोड़ा डैमेज हो सकता है। मिथुन पुनर्वसु के बाद कर्क पुनर्वसु, कर्क राशि के लिए गुरु जो है ये अभी लाभ स्थान में है, लेकिन वध नक्षत्र में होने के कारण आपको अपने मित्रों के साथ या स्त्री मित्रों के साथ रिलेशन में तनाव आ सकता है। कर्क पुष्य के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा, आपके साधक नक्षत्र में है, आपको मित्रों से स्त्री मित्रों से लाभ रहेगा। कर्क आश्लेषा के लिए ये प्रत्यरी नक्षत्र है, यानी कि आपका अपने मित्रों के साथ ओपोजिशन होगा या संतानों के साथ होगा।
सिंह राशि के लिए गुरु दसवें स्थान में है और जुपिटर इन द टेंथ हाउस मगा के लिए एक सहम तारा है। कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ा भार रहेगा, जॉब में अपर लेवल से भी स्ट्रेस और तनाव ज़्यादा रहेगा। पूर्व फाल्गुनी में जिनका जन्म है इनके लिए ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। उत्तरा फाल्गुनी के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा, आपके बड़े बड़े काम होने वाले हैं। सिंह उत्तरा फाल्गुनी और कन्या उत्तरा फाल्गुनी, कन्या उत्तरा फाल्गुनी के लिए गुरु भाग्य स्थान में आपको भाग्य में वृद्धि करने वाले बनेंगे और इसका फल एक्सीलेंट रहने वाला है। आपको अपर लेवल से जो आपके काम करने वाले लेवल में जॉब है, बॉस है, उनकी ओर से आपको बेनिफिट रहेगा। आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है, पगार भी बढ़ सकता है, तो एक्सीलेंट फल है उत्तरा फाल्गुनी कन्या और सिंह उत्तरा फाल्गुनी दोनों के लिए। कन्या हस्त के लिए जन्म तारा है, जन्म तारा भी हमेशा शुभ फल देता है। कन्या चित्र के लिए अति मित्र नक्षत्र है तो आपके लिए भी ठीक फल देने वाले। तुला चित्र के लिए गुरु अति मित्र नक्षत्र में है, आठवें स्थान के अंदर। आपको अपने इन लॉज की ओर से कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तुला स्वाति के लिए मित्र नक्षत्र है, आपके लिए